हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो देख सकते हैं मैं नहा के रेडी हो गई अमेजिंग। हूँ, और आज शनिवार है तो आज किचन में क्या बनने वाला है वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि शनिवार के दिन क्या बनता है। और तो एक बात आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग वीडियो फुल नहीं देख सकते तो वीडियो पे क्लिक मत किया कीजिए, क्योंकि एवरेज इतना ज़्यादा नीचे डाउन रहता है कि YT को देखने का मन भी नहीं करता। और जो भी आया करे फुल वॉच किया करे और साथ में लाइक भी ज़रूर कर दिया करे। तो मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और मैं अब जा रही हूँ छत पे कपड़े को धूप में देने, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद बहुत प्यारी सी धूप निकली हुई है जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके बाद फिर जाऊँगी किचन में, तो किचन में क्या बनने वाला है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी आज। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, अब तक के लिए बाय। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए दोस्तों, क्या आने वाला है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ छत पर, तो आप देख सकते हैं आज कितना ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप निकला है बहुत दिनों के बाद, और साथ में बहुत ज़ोरों की हवा भी चल रही है। तो मैं छत पे आई थी अपना कपड़ा जो धो के रखी थी वही छत धूप में देने आई थी, कि बहुत दिन के बाद धूप निकला है तो बहुत सारा कपड़ा जमा हो गया था सुखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना धूप निकला हुआ है, और ये देखिए सीम, उस टाइम में मैंने बोला था कि अभी फूल दे रहा है सीम में, तो अब सीम होने लगा है देख सकते हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद बहुत सुंदर धूप निकला हुआ है। हवा भी देखिए कितना है, तो छत पर से मैं आ गई अपने रूम में देख सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ किचन में, तो चलिए मेरे साथ किचन। तो देखिए दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में, और आज शनिवार है तो आज घर में प्लेन खिचड़ी बनने वाला है। आज सब्जी इसमें मैं नहीं डालूंगी, बस मैंने थोड़ा सा हल्दी नमक और एक टमाटर काट के दे दिया है इसमें, और तेज पत्ता है, और यहाँ पर देखिए चावल निकाल के रखी हूँ। और आज मैं दो ही दाल इसमें ऐड करूँगी, मसूर की दाल और मूंग की दाल, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज घर में खिचड़ी ही बनने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिए। देख सकते हैं दोस्तों खिचड़ी यहाँ पे रेडी है, गर्मा गर्म खिचड़ी, आइए आप लोग खा लीजिए। और साथ में मैंने बनाई है पापड़ और चिप्स है, घर का बना हुआ चिप्स है, का है और चावल का चिप्स बना है। सो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अभी शाम हो चुकी है और अभी तक मैंने चाय नहीं पिया है, मैं चाय पीऊंगी, बट सोची पहले आप लोगों से वो बता दूं जो बताने वाले थे कि आज मतलब क्या आने वाला है, आज नहीं मतलब क्या आने वाला है ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बातें अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब आने वाला है, कुछ ही दिन बचा है, ठंड में ठिठुर ठिठुर के खाने वाला मौसम आ रहा है, मौसम आ रहा है, आ गया है। सो अभी तारीख नहीं आई है, तो जनवरी के जैसे ही जनवरी प्रवेश करता था तो मेरे घर में बहुत कुछ बनता था। जनवरी से पूस का महीना होता है, तो उसमें वो पिट्ठा और उसके बाद ठेकुआ और बहुत कुछ बनता था। तो बहुत कुछ तो अभी तक नहीं बना है, क्योंकि अब की बार जो है ना बाबू छोटा था
बाबू कुछ काम करने नहीं देता है, इसलिए वो सब आपकी बार नहीं बन पाया। और आने वाली है मकर संक्रांति, मकर संक्रांति आने वाली है, तो जो बिहार और झारखंड के हैं उन लोगों को तो बिल्कुल पता होगा कि मकर संक्रांति में क्या क्या बनता है, और बहुत को नहीं पता है, इसलिए मैं बता दूं कि मकर संक्रांति में हम लोगों के घर वो जो मुढ़ी होता है, मुरमुरा, उसका हम लोग ये लाई बनाते हैं, कोई लड़ुआ बहुत जगह बोला जाता है, चूड़ा फ्राई करके हम लोग लड़ुआ बनाते हैं, और तिल का लड्डू बनाते हैं। तो वो सब रेसिपी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, जब मेरी मतलब सासुमा जब बनाएगी, भी तो नहीं बनाई है, आज कितना तारीख है, 6 तारीख है, तो 14 या 15 तारीख को मकर संक्रांति है, तो उससे 1-2 दिन पहले ही बनाऊंगी, तो आप लोगों के साथ वो रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। तो बस इतना ही बताना था आप लोगों को, तो आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताया कीजिएगा। हाँ दोस्तों, प्लीज वीडियो फुल वॉच किया कीजिए, और साथ में लाइक भी कर दिया कीजिए, तो वीडियो थोड़ा सा शायद लॉन्ग हो गया है, तो कृपया करके आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। और तो चलिए, अब और सब ठीक है, और आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट। ये आज ही जाएगा ब्लॉग, थोड़ा सा लेट से जाएगा, तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। Oh,